आपके यहाँ होता है क्या? फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे गणेश जी की ढेर सारी इमेजेस आने लगती है। जब भी हम गणेश जी को नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाते हैं तो 5, 11 या फिर 21 का चढ़ाते हैं। पुढ़चा वर्षी नौकरिया, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, उसी की तैयारियां चल रही है, तो चलिए लग जाते हैं काम पर। वैसे तो गणेश चतुर्थी की प्रिपरेशंस लास्ट मिनट तक चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है बाप्पा की मूर्ति डिसाइड करना। अब हर बार तो लाते हैं बाहर से, कभी झूलते हुए गणपति, कभी शिवजी के रूप में गणपति, या कभी क्रिकेट प्लेयर गणपति, पर इस बार वैसे नहीं था, तो आई डिसाइडेड टू गो बिट ऑर्गेनिक विद शाडू क्ले। अब आइडियली शाडू क्ले को एक रात पहले प्रिपेयर करके रखना होता है, तो वैसे भी मैंने अपनी मिट्टी रेडी कर रखी है, जिस वजह से अपनी मूर्ति बहुत जल्दी और अच्छी बन जाए। मैं नासिक से हूँ और वहां पे हमारी कॉलोनी का एक पूरा पंडाल हुआ करता था। सब लोग उस पंडाल में साथ में आके आरती करते थे, फिर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स रहती थी, बिकॉज 10 दिन गणपति हुआ करते थे, तो उसके वजह से हम सब इतना साथ में टाइम स्पेंड करते थे, तो पूरा सेलिब्रेशन वाला फील आता था, बिकॉज पूरी कॉलोनी एक फैमिली की तरह वो गणपति सेलिब्रेट करती थी। गणेश जी आए और मोदक नहीं बने, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो पहली बार बना रही हूँ, पर बाप्पा संभाल लेंगे। पहले दिन मोदक बनते हैं, देखते ही खाने का मन करता है, लेकिन पहले बाप्पा ला मोगा मारा। पता है मेरी सबसे फेवरेट वाटली दाल जो लास्ट डे पे बनती है, पूरी कटोरी खा जाती हूँ। मुझे उकड़ी से मोदक बहुत पसंद है, लेकिन वो करने में उतने ही डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ फ्राइड मोदक। पहली बार कर रही हूँ तो आई होप अच्छे बने और घर में सबको पसंद आए। आई फील लाइक मैं इसमें शायद प्रो बन रही हूँ। अब फ्राई कर लेते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताओ, जब भी हम गणेश जी को नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाते हैं तो 5, 11 या फिर 21 का चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे मेरे नानी ने बताई थी। तो हुआ ये था एक बार कि गणपति को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो इतना खा रहे थे फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा था। तब किसी ने उन्हें एक पर्टिकुलर स्वीट सर्व किया और वो खाते ही एक फनी चीज हैपेंड, लॉर्ड शिवा बर्क 21 टाइम्स। तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब भी कभी गणपति को प्रसाद चढ़ाए तो 21 मोदक का चढ़ाए। अब ये स्टोरी ट्रू है या नहीं दैट आई डोंट नो, पर उनकी वजह से हमें मोदक खाने मिल रहे हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। गणेश चतुर्थी में गणेश जी तो बाद में आते, मेरे अंदर का आर्टिस्ट सबसे पहले आ जाता है। आपके यहाँ होता है क्या? फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे गणेश जी की ढेर सारी इमेजेस आने लगती है, जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो। पर सच्ची ये 5 दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और तभी कोई बोल देता है पुढ़चा वर्षी नौकरिया, चलिए बापा आते ही होंगे, डेकोरेशन करते हैं। तो अब सारी प्रिपरेशंस हो गई है, सिर्फ स्थापना बची है। आई एम ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। टेल अस हाउ यू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग बॉबल।